सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी क्वालिफाइड अभ्यर्थी एक बार फिर बीरचंद पटेल पथ जो रोड है उस रोड पे धरना के माध्यम से बैठे हुए हैं। तस्वीरों में देखिए कि कई अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी जो कि धरना पे बैठ चुकी हैं, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से कुछ दिन पहले की आपने देखा था कि हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रोटेस्ट किया, डाकबंगला चौड़ा को जाम किया और अपने हक और अपने अधिकार के लिए इन्होंने जो विज्ञप्ति के लिए मांग किया और विज्ञप्ति अभी तक सरकार के द्वारा नहीं जारी की गई है, ऐसे में एक बार फिर कई पुलिस वाले जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको दौड़ाए हैं, लेकिन महिला अभ्यर्थी इसी जगह पे बैठ गई है और ऐसे में अब इनका जो मांग है जायज़ है और विज्ञप्ति अभी तक नहीं दी जा रही है। क्या कहेंगे मैडम आप लोग विज्ञप्ति के लिए एक बार फिर बैठ चुके हैं धरना में? हम लोग इसी उम्मीद से बैठे हैं यहाँ कि इस बार 7th फेज नोटिफिकेशन का हम लोग को डेट मिल जाए कि हाँ इस डेट पे होगा। अगर सितंबर महीने का या अक्टूबर महीने का जब का भी है हम लोग को डेट एक दे दिया जाए कि हाँ एप्लीकेशन अप्लाई का ये डेट है। अभी क्या क्या हुआ आप लोग के साथ? अभी हम लोग यहाँ बैठे थे एक जगह, बस इकट्ठे थे शांतिपूर्ण तरीके से ऐसे ही बैठे थे, तो हम लोग हाँ तो बोला जा रहा है कि यहाँ से जाइए, फिर हम लोग यहाँ शांति से बैठे तो फिर क्यों हटाए? हम लोग काम नाक देखे, पुलिस कर्मी भगा रहे जी। फिर उसके बाद आप लोग क्या स्टेप करेंगे? कुछ नहीं, हम लोग बैठे हैं, हम लोग बोले कि क्यों हटाया जा रहा है कुछ नहीं। कई पुलिस कई पुरुष अभ्यर्थी को दौड़ा दिया गया इधर। हाँ, जो इसमें जो मेल कैंडिडेट आए हैं उन लोगों को उधर भगाया गया है। हाँ, तो मतलब मेल कैंडिडेट को दौड़ा दिया जा रहा है, आप लोग यहाँ बैठी है, क्या लग रहा है ये तरीका? अच्छा, ये तरीका तो बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर पता नहीं यहाँ क्या है। आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं विज्ञप्ति के लिए, क्वालिफाइड हैं, ऐसे में अब फाइनली क्या कहना होगा सरकार से? सरकार को अब नोटिफिकेशन दे देना चाहिए क्योंकि अब हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। अगर हाँ क्या मैडम जी, मेरा भी मांग वही है। सीटेड बीटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं हम लोग, 3 साल से सरकार हम लोग का गुमराह कर रही है, अब देंगे, कल देंगे, आज देंगे, बहुत जल्द देंगे, कब तक? आखिर हम लोग का भी तो आश्वासन, परेशान ही नजर आ रहे हैं, ऐसे में कुछ हाथ नहीं लग रहा? नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, नोटिफिकेशन कुछ नहीं निकाली, सरकार सुन ही नहीं रही है, बहुत जल्द, कब जल्द, कब तक होगा? बहुत जल्द, अब जल्द, कब जल्द, क्या क्या हो? ये जल्द का तो परिभाषा ये लोग समझते ही नहीं है। जल्द मतलब होता है 15 दिन 20 दिन, ये जल्द मतलब 4 साल कब से होने लगा मुझे तो समझ में नहीं आता है। माननीय तेजस्वी जी कहते हैं कि इंतजार का थोड़ा मजा लीजिए, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप भी इंतजार करके 2025 में सरकार बना सकते थे, लेकिन आपसे इंतजार नहीं किया गया। आप संपन्न फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन आपको क्या था, आप तो इंतजार ही नहीं किए। हम एक आम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम बेरोजगार हैं, जो हम गरीब घर से बिलोंग करते हैं, तो हम कैसे इंतजार का मजा ले सकते हैं? मतलब युवा जाग चुका है जी, बिल्कुल। और आंदोलन करने पर कहा जाता है कि आप बीजेपी के एजेंट है, तो मैं उन तमाम राजनीतिक दल के लोगों का नाम मैडम की बीजेपी का श्री नवल किशोर यादव जी है, वो शक्ति सिंह यादव जी बोलते हैं कि आप लोग बीजेपी के एजेंट हैं, तो सर्टिफिकेट देख लीजिए सर, ये शिक्षक अभ्यर्थी का सर्टिफिकेट है, ये सीटेट का और डीएलएड का सर्टिफिकेट है, ये कोई मतलब कि बीजेपी के एजेंट का नहीं है, ये सर्टिफिकेट मेरा है, हम कोई शिक्षक अभ्यर्थी, हम बीजेपी के एजेंट नहीं है।